दिस इज मुंबई कोस्टल रोड। एंड नाउ दिस इज रेडी टू ड्राइव। मुंबई सिटी के वेस्टर्न कोस्ट पर बन रहा 30 किलोमीटर लॉन्ग अमेजिंग एक्सप्रेसवे, ये मरीन लाइन से शुरू होकर के कांदिवली तक जाता है और बीच में ये बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी कनेक्ट करता है। मुंबई कोस्टल रोड के बारे में क्या बोला जाए, इसे आप खुद देखिए कि ये कैसा है। इसी मुंबई कोस्टल रोड में भारत की पहली अंडरसी रोड टनल को भी बनाया गया है और इसी एक्सप्रेसवे में केबल सी ब्रिज भी तैयार कर लिया गया है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, मुंबई की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ को पार कर चुकी है, तो मुंबई जैसे बिजी शहर में 2 करोड़ लोगों के ट्रैफिक को संभालना ये इतना आसान काम नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ मुंबई की ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का हर व्यक्ति 1.5 घंटा अपना ट्रैफिक जाम में टाइम वेस्ट कर देता है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ही इतनी ज्यादा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो हर साल मुंबई को 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है सिर्फ ट्रैफिक की वजह से, तो क्यों ना इस 5 लाख करोड़ को बर्बाद होने से बचाने के लिए इस पैसे को ट्रैफिक को सही करने में लगा दिया जाए। और अब मुंबई में यही किया जा रहा है। मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसहार्बर लिंक, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मल्टीपल चीज पर काम हो रही है। मुंबई कोस्टल रोड मरीन लाइन से स्टार्ट होती है और कांदिवली तक जाती है। इसे बेसिकली 2 फेज में तैयार किया गया है, साउथ फेज में और नॉर्थ फेज में। साउथ फेज का जो रोड है वो 9.98 किलोमीटर है और जो नॉर्थ फेज का रोड है वो 19.22 किलोमीटर है। और इन दोनों फेज के कम्प्लीट होने के बाद मरीन लाइन से वर्ली और कांदिवली से बांद्रा आपस में जुड़ गए। इसके बाद बांद्रा से वर्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5.6 किलोमीटर है। इसको कनेक्ट करने के लिए बांद्रा वर्ली सी लिंक को बनाया गया है। इस कोस्टल रोड की टोटल डिस्टेंस 29.2 किलोमीटर है। आपको बता दें गाइस कि ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसके लिए 415 एकड़ के एरिया को एक्वायर किया गया है। इसमें न सिर्फ एक्सप्रेसवे बल्कि प्रोमेनान, साइकिल ट्रैक, ग्रीन स्पेस और भी कई चीजों को बनाया गया है। यहाँ पर बस रैपिड ट्रांजिट को भी बनाया गया है। मुंबई कोस्टल रोड का फेज 1 कम्प्लीट हो चुका है, जिसका उद्घाटन 11 मार्च 2024 को किया गया। मरीन लाइन से वर्ली तक जाने में मात्र 8 से 9 मिनट का समय लगेगा, जबकि पहले इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 से 40 मिनट का समय लगता था। इसमें अपने प्यारे भारत का पहला अंडरसी टनल भी बनाया गया है, जो कि बनकर के तैयार हो गया है और इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। आप चाहे तो इसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि भारत का पहला अंडरसी टनल कैसा है। आप भारत के पहले समुद्री टनल का व्यू अपनी आंखों से देख पाएंगे और इसे फील कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मुंबई कोस्टल रोड का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ के लोग इसका आनंद ले रहे हैं और अपने आधा घंटा का समय को बचा रहे हैं। नाउ आगे अभी क्या हुआ है, 2-3 दिन पहले अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखें तो बांद्रा से वर्ली तक का जो सी रूट है यहाँ पर एक छोटा सा पुश छोड़ा गया था। यहाँ से ये वाला रोड टर्न लेकर के वर्ली वाले रास्ते में एंटर कर जाता था, लेकिन ये जो पुश छोड़ा गया था अब इसका इस्तेमाल कर लिया गया है। यहाँ पर 2000 मेट्रिक टन का एक आर्क ब्रिज को लगाया गया है। बताया जाता है कि ये भारत का पहला आर्क ब्रिज भी है, तो ये चीज इस कोस्टल रोड का एक नया अपडेट है। ये अपने आप में इतना ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 136 मीटर का स्पैन ब्रिज है। सबसे खास बात यह है कि इतने भारी भरकम ब्रिज को जहाँ पर इसको लगाया गया है वहाँ से करीबन 60 किलोमीटर दूर पर बनाया गया है और वहाँ से इसे लेकर के आया गया समुद्र के माध्यम से। JNPT पोर्ट के बगल में एक इलाका है, वहाँ पर इसको असेंबल किया गया है और पूरी तरह से तैयार किया गया है। एक्चुअली में इसको एक तरह के सेप पर ही बनाया गया है ताकि इसे उठाने में दिक्कत ना हो। जहाँ पर इसे बनाया गया है उसे पानी के माध्यम से फ्लोटिंग करते हुए लेकर के पहुँचाया गया और वहाँ पर जाकर के इसे सेट कर दिया गया। सुबह तक यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं था, लेकिन रातों रात इस ब्रिज को ला करके यहाँ पर लगा दिया गया। ये पूरा ब्रिज 2000 मीट्रिक टन का है और ये जो पूरा बार्ज है वो 11000 मीट्रिक टन का है। जैक जैसे कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको लगाया गया। इसके वजह से मुंबई का जो कोस्टल रोड है वो अब बांद्रावली से जुड़ जाएगा। मुंबई कोस्टल पूरी तरह से 2025 में बनकर के तैयार होगा। मुंबई कोस्टल रोड के अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो फेज 2 है उसका कितना परसेंट काम हुआ है, उसके नए अपडेट क्या है, फेज 2 का काम कब तक कम्प्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।